शहर और गिरदो नवा में धुंध के डेरे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 9.5 घंटे बाद खुल गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ट्रैफिक 6 घंटे बाद बहाल हुई। शहर में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। खैबर मेल ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस, तेजग्राम और पाक बिजनेस बर वक्त न पहुंची। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। तालीमी इदारे 53 रोज बाद खुल गए। 9वीं से 12वीं क्लासेस का बाकायदा आगाज हो गया। 50% तलबा को बुलाने की इजाज़त। कोरोना SOPs पर अमल दरामद। मास्क की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। दाखिली गेट पर हैंड सैनिटाइजर करने का भी अहतमाम किया गया। गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल में चेकिंग के लिए अमला तैनात ना हुआ। तलबा की जानिब से कोरोना SOPs पर अमल दरामद किया गया। फेस मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। पंजाब कॉलेज में कोरोना से बचाव के लिए खसूसी इंतजामात। कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। दाखिली गेट पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल। फेस मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद। थर्मल गन से टेम्परेचर भी चेक किया गया। तालिबात में समाजी फासले को बरकरार रखा गया। एहतसाब अदालत में पैरागन हाउसिंग रेफरेंस, ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक पेश हो गए। अदालत ने नैब के गवाहों को शहादतों के लिए तलब कर रखा है। गुजरपुरा रिंग रोड ज्यादती केस मुलजिमान आबिद मलही और शफकत बग्गा सिक्योरिटी में इंस्टॉलिड दहशतगर्दी की अदालत में पेश। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म दे रखा है।